नमो लोए सव साहूनम। आज हम जेपीपी महिला फाउंडेशन बैंगलोर की ओर से श्राविका जयंती की महिमा क्या है परिवार के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस परिवार में रोज सुबह बड़ी साधु वंदना बोलने का नियम था। दोनों बेटियों की इसकी श्रद्धा जाग उठी और संयम लेने की भावना जाग उठी। अब देखिए आगे भाग दो गाथा नंबर 31-32। भगवंतनी माता धन घर धरी देवानंदा वली सती जयंती छोड़ दिया घर फंदा सती मुक्ति पहुंचा वली देवी रनी नन महासती सुदर्शना गणी सतियानोर। माँ पिताजी हम रोज बड़ी साधु वंदना बोलते हैं, मुझे इसकी महिमा जाननी है। हाँ बेटी इसका महत्व मैं समझाती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई मुझे बड़ी साधु वंदना के बारे में पूछा। वैसे भी तुम दोनों का सारा ध्यान पढ़ाई में ही रहता है, पर फिर भी मैं वह बड़ी साधु वंदना के बारे में बताती हूँ। भगवान महावीर की श्राविकाओं की संख्या थी 318,000। इतने बड़े श्राविका समूह में से जयंती श्राविका के ज्ञान ध्यान की प्रभु महावीर ने अपने श्रीमुख से स्वयं प्रशंसा की। हाँ माँ मेरे ध्यान में वही एक अकेली ऐसी श्राविका थी जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाभी क्यों प्रभु ने उसकी प्रशंसा की उसका गुणगान किया, क्या वही उनके निकट रिश्तेदार थी इसलिए? नहीं जिन शासन की श्राविका जयंती में ऐसी अनेक सेवा की विशेषता थी जिसकी भगवान महावीर ने बड़ी पर्दा में उसके कार्यों की सराहना की। सुनो बेटा जयंती श्राविका कौन थी मैं बताती हूँ। जयंती श्राविका कौसाम्बिक के राजा उदयन के पिता शैतानिक की बहन थी, सहस्रनिक राजा की पुत्री थी और उदयन की बुआ थी, चटक राजा की पुत्री मृगावती की ननन थी। धन्य हो माता कुक से तेरी जन्या चांद सितारा दीपक बन कर सारे जग में कर देगा उजियारा। बोलो जय 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 बोलो श्राविका जयंती की जय। हाँ वे अत्यंत धर्मनिष्ठ श्राविका थी। प्रभु महावीर के साधुओं तथा श्रावकों को कौसंबी में पधारने हेतु सर्वप्रथम स्थान देने के कारण पूर्व संयंत्रा के नाम से जानी जाने वाली समनपासी का जीवा जीवादि तत्वों की ज्ञाता थी। जो भी श्रावक श्राविका कौसंबी आते चाहे किसी भी काम से आते हो जयंती श्राविका उन्हें अपने घर बुलाती और उनके स्नान भोजन शयन की व्यवस्था स्वयं करती। हाँ भाईसा उपवास होता तो पोषक के उपकरण देती, पारना होता तो पारना करवाती, वह उन्हें अनेक व्रत प्रत्याख्यानों में भी सहयोग प्रदान करती और पूर्ण साधर्मिक सेवा का लाभ लेती। अरे हाँ पिताजी उपवास से याद आया आज हमारे यहाँ श्रावक श्राविका गण पारने के निमित्त से पधारने वाले थे, सारी तैयारियाँ हो चुकी है, वे कब तक पधारेंगे? पधारते ही होंगे बेटा, अपने जैन धर्म की मान्यता है तपस्या करना आसान है, स्वाध्याय ध्यान करना आसान है, परंतु सेवा धर्म अत्यंत कठिन कार्य है। माँ पिताजी भाभी अब मुझे सब समझ में आ रहा है। जयंती श्राविका ने श्री भगवान महावीर से पूछा, हे प्रभु सोते हुए अच्छे या जागते अच्छे कौन श्रेष्ठ, सुप
या जागृत, सबल या दुर्बल, दक्ष या आलसी। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ पैसा, इन सब आदि प्रश्नों के समाधान में प्रभु महावीर फरमाते हैं, कुछ जीवों का सुप्त रहना अच्छा है तो कुछ का जागृत रहना, कुछ का सबल बनना अच्छा है तो कुछ का दक्ष बनना, कुछ का दक्ष बनना श्रेष्ठ है, कुछ का आलसी बने रहना। हाँ पैसा, श्राविका जयंती ने प्रभु महावीर से भांति भांति के प्रश्न किए और उनका समाधान जानकर संतुष्ट हुई, हर्षित हुई, प्रतिबुद्ध बनी। हाँ माँ, तभी तो जयंती श्राविका को दीक्षा के भाव आए। कालांतर में जयंती श्राविका ने प्रभु के सम्मुख दीक्षा मंत्र स्वीकार कर आर्य चंदन बाला की शिष्या बनी। उत्कृष्ट परिणामों के साथ नीतिचार संयम का पालन किया। दोनों दीदी, हाँ दीदी, अंग शास्त्रों का अध्ययन भी किया और सारे कर्मों को काट कर वो मोक्ष गति के अधिकारिणी बनी। माँ, पिताजी, हमें जयंती श्राविका की महिमा जानकर दीक्षा के भाव आए हैं। हमें दीक्षा की अनुमति दीजिए। सोच लो बेटा एक बार, क्योंकि संयम का मार्ग अत्यंत कठिन मार्ग है। आप चिंता ना कीजिए पिताजी, हम संयम पथ पर आगे बढ़ेंगे और अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। हाँ पैसा, आपकी दृढ़ता पर हमें बहुत नाज है। हाँ पैसा, आपकी दृढ़ता पर हमें बहुत नाज है कि आज हमारे परिवार की दोनों बेटियां जिन शासन का नाम रोशन करने जा रही है। हाँ पैसा, आज हमारे परिवार की दोनों बेटियां जिन शासन का नाम रोशन करने जा रही है, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। दोनों बेटियों की दीक्षा भावना जाग उठी। अगले दिन प्रभु महावीर के समर्शरण में जाके साधी श्राविका जयंती के दीक्षा अंगीकार करेंगे। प्यारी सी दुल्हारी बेटिया, दो दिन का तू मेहमान है, छोड़ के रिश्ते सभी, तुझे गुरु संग जाना है। प्यारी सी दुलारी बेटिया, आज अभिनंदन है, कल तुझे वंदन है, छोड़ के ये रिश्ते सभी, तुझे गुरु संग जाना है। सब कल दीक्षा है, सभी को जरूर पधारना है। प्रभु महावीर के शरण जाके साधी जयंती के यहाँ चरणों में आगे विचरण करेगी। परमात्मा बन मारु आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारु आत्मा, परमात्मा बन जाशे मारो आत्मा। दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे।